फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और आज है संडे। संडे मींस फुल लेजी डे। सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, पर ये लोग सब अभी उठे और घर का काम भी खत्म हो गया है। बस एक कपड़ा था, कल का जो धुला हुआ कपड़ा, इसको मैं फोल्ड कर दिया, अब रख लूंगी। और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज तो बहुत, संडे का दिन तो बहुत सिंपल, ऐसे मैगी ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है, ये बोल रहा है इधर आपको। और उसको मैगी मन संडे हुआ तो वो वेट करके रहता है कि मम्मी कब मैगी बनाएगी। हाँ ना बाबू, आज सुबह सुबह क्या बोलो? मैगी खाना है, मैगी। और इसको मैगी बहुत पसंद है, सब बच्चे को तो मैगी बहुत पसंद है। तो हमारा घर में संडे या सैटरडे एक दिन मैगी बनता है, और बच्चे बेसब्री से वो संडे और सैटरडे को वेट करता है कि मम्मी मैगी बनाएगी। और इवनिंग का कभी कभी बनाती हूँ स्नैक्स में, पर ज्यादातर नहीं बनाती मैगी। चलिए चलते किचन पे। इतना पसंद नहीं, कभी कभी खाती हूँ पर इतना अच्छा नहीं लगता। अब अकेले के लिए कौन बनेगा, ये लोग तो सब खाएंगे, मैं भी एक पैसे खा लूंगी इससे एक दिन। इसका यप्पी का, इसको यप्पी का मसाला इतना पसंद है तो करको में दे रही हूँ। आंख में नहीं लगाना, ठीक है? टेबल के ऊपर बैठ के खाओ। मसाला ये मैगी का मसाला, यप्पी का मसाला, इसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है चाट चाट के खाने। और नहीं बाबू, प्लेट में ले, प्लेट में ले। हेलो, हाँ बाबा को हमारा चाय पिया हो रहा है, मैं बच्चों को भी टिफिन दे दूंगी चाय पी के साथ। चाय पीते पीते ही सारा हमारा जो ऐसे नब जो होते रहते हैं। और ये मेरे बच्चे को भी मैगी हो गया। वेट करके बैठे कब दूंगी, बच्चों की तरह, देखो बच्चों की तरह वेट करके बैठे हैं मैगी खाने के लिए प्लेट लेके। मुझे मैगी दो। हाँ बाबू आ जाओ, मैगी जिस दिन बंद होने सब प्लेट लेकर बैठते हैं। पड़े पेन ओके अमूल आ जाओ ले लो, जिसका प्लेट ले लो, एक मैं निकाल के देती हूँ। और यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं मैगी बबुल। नहीं, उनका मैगी और टीवी, बस ये दोनों चाहिए उनको। और उधर बेटी बैठी है, हम भी खा लेते पति पत्नी। और आज लंच में बनेगा पड़वल, वही हम लोग बोल रहे थे। तो बच्चे बोल रहे पड़वल ही सिर्फ और कुछ नहीं नॉनवेज में, क्योंकि आज संडे है। तो सोच रही फिश बना लूं मटन। और दोनों पूरा लगे सुबह से ही बोल रहे कि मामा आज मटन बनाओ, मटन बहुत दिन से बनाया नहीं। मटन में मंथली एक बार या दो बार हार्डली होगा तो बनाती हूँ। इन लोगों को मटन बहुत पसंद है, तो वही
जाऊंगी मटन लेने के लिए और मुझे थोड़ा फीस पसंद है, फीस भी देखूंगी आज, आज तो अच्छा भी मिलेगा, फीस और मटन क्या मिलता है पहले जाऊंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। लोग हंसते हैं, चलो इसको थोड़ा तेल लगा देते हैं, शैम्पू करेंगे। और मैं भी मॉर्निंग से तेल लगा लिया था, इसलिए बाल पूरा मेरा क्या चिपक चिपक के, क्या मामा बोल रहे हैं इसको, चिपकी चिपकी। चलो भी अभी जल्दी नहीं तो हाँ अभी चलेंगे, 10 बज गया है जाके। अभी खाना ब्रेकफास्ट खाया ना, वो भी मटन के नाम से ही अभी से भूख लगी है, खत्म हो जाएगा। हाँ फटा मटन थोड़ा, सुबह ही 9 बजे 10 बजे तक जाओ तो अच्छा लगता है, थोड़ा कम हो जाए। हाँ इसको ऑयल लगा के भिजाती हूँ। और डिसाइड तो हुआ आज मटन बनेगा, तो फिर आज मटन बनेगा, बच्चे का क्या डिमांड है कि आज तो फिश हम लोग नहीं खाएंगे, सिर्फ मटन खाएंगे, तो मटन बनाऊंगी और क्या। चलिए फिर मिलते हैं मार्केट में। मार्केट से फिश लाकर पूरा क्लीन कर दिया और मटन भी लाई हूँ, पर आज मटन बनाऊंगी और ये सब वीक में कब कब बनाऊंगी सोचते देखते, तो सारा चीज रख दूंगी फ्रिज में, मटन को तभी बनाऊंगी, मटन रखूंगी बाहर और बाकी सारा फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। अंदर वाला भी निकाल देती हूँ तो थोड़ा अच्छा रहता है, मैं पूरा ही अंदर वाला निकाल देती हूँ, थोड़ा सेल रखती हूँ। और ये है बासा फिश, ये बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कांटा नहीं रहता है, एक ही बोन रहता है, इसलिए बहुत पसंद है बच्चे को। इसका तो कुछ अच्छा वाला बनाऊंगी सोचती हूँ, क्या बनाऊं। संडे के दिन बहुत लेट होता है क्योंकि मार्केट जाकर पूरा सामान लेकर आना,
फिर इसको धो, अच्छे से रखो, पैक करो। इसमें आधा टाइम एक घंटा चला जाता है। अरे ये मटन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इसमें इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल सब देकर मैरिनेट करके फटाफट बनाऊंगी। और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी परवल, कई कोसा बोलते हैं हम लोग, पोटोल कोसा, पोटोलो कोसा बोलते हैं हम लोग परवल का, वो भी बनाऊंगी। दाल बनाना है, खाना अभी बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहाया भी नहीं, फास्ट जाऊंगी, नहाऊंगी, पूरा हेड बाथ करना है आज। सुबह से ऑयल लगाई ना, चिप चिप कर लग जाए, चिप चिप जैसे लग रहा है। पूरा नहा के फ्रेश होकर आकर आपके साथ बात करती हूँ फटाफट। वह मैं सारा चीज रख देती हूँ, चपिंग कपिंग सब करना है। हस्बैंड थोड़ा बाहर गए, उनका कुछ काम है, थोड़ा लेट में आए, कब आएंगे मालूम नहीं, इसलिए सारा काम मुझे ही करना है। वो रहते हैं ना थोड़ा हेल्प हो जाता, वैसे बोलते तो ही मैं हेल्प कर लेती हूँ। मैं उनके सामने तो थोड़ा भाव खाती हूँ कि क्या करते हो तुम, पर सच में वो मुझे संडे के दिन, सैटरडे संडे के दिन आधा मेरा चपिंग में मुझे बहुत हेल्प होता है, और वो बड़ी बात है। पर आज नहीं है, पता नहीं कब आएंगे, तो मुझे सारा काम अकेले करना है। मिस यू हबी, मिस यू हबी। चलो अब मैं काम कर लेती हूँ। ज्यादा भाव खाने से ऐसा होता है, इसलिए सब सभी का वैल्यू करना चाहिए, जो काम करते उनका वैल्यू करना चाहिए। मेरे हमें कितना मुझे हेल्प करते, आज नहीं है ना, इसलिए आज मुझे उनका वैल्यू मालूम पड़ रहा है। और ये हो गया मेरा सारा फीस का स्टॉक। अब इसको मैं फ्रिज में रखकर आती हूँ। अब मटन को मैं मैरिनेट करके नहाने के लिए जाऊंगी। जब तक नहा के सारा काम खत्म करके आऊंगी, तब तक ये मटन भी थोड़ा मैरिनेट हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और अब मैं इसमें दूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिंजर गार्लिक रेड चिली और क्या दे रहा, क्यूमिन, बस ये मिला के मैं ये पेस्ट बना के रखी थी। अब इसको भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आज कसा मांस बनाएगी, ज्यादा ग्रेवी नहीं करूंगी, क्योंकि दाल बनाना है, कसा मांस बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर और ये चिल्ली पाउडर। मटन मेरे घर में ज्यादा तीखा ही बनता है। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी मटन को, मटन को मैरिनेट, और जो क्या भूनते हैं, जितना भूनोगे और अच्छे से मैरिनेट जब कर दोगे आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा भी करोगे तो और अच्छा है। तो मटन बहुत अच्छे से टेंडर होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसे ऐसे करके मसल मसल के मटन को मैरिनेट करना है। ये तो उड़िया स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से जब मेरी मम्मी बनाती थी तब ऐसे ही बनाती थी, और हमें मुझे बच्चे को ऐसा ही पसंद है। और इसमें बड़ा बड़ा कट करके आलू भी डालूंगी, बहुत अच्छा लगेगा आज इसको। आज बोले ये रेसिपी का नाम होगा कसा मांसो, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, वो बोल रहे मैं सिंग सॉन्ग कर मतलब गाना गाओगी तुम, सुनो। मैं बोले हाँ अभी थोड़ी देर रुक जाओ बेटी, उसका गिटार बजा रही है, बोल रहे दोनों बोल रहे मम्मा आओ हमारा गाना सुनो। बोला मैरिनेट करके नहा के आती हूँ फिर तुम्हारा गाना सुनूंगी। अब गाना सुनूंगी तो खाना, सॉरी खाने के लिए लेट हो जाएगा। हो गया, और ये मेरा रॉकस्टार आ गया है, मम्मी गई नहीं उसके पास तो वो खुद ही आ गया मम्मी के पास। उससे तो बड़ा ये गिटार है, बाबा अच्छे से पकड़ लेती थी कहीं जब सुपा के बैठ, सुपा के ऊपर बैठ के करवा। मटन मैरिनेट कर दिया मैंने, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, अच्छे से नहा धो के फ्रेश होकर रखकर बनाएंगे मटन करी, मटन कोशा।
हाय गाइस वेलकम बैक। और राइस बिठा दिया है, दाल भी अभी बिठाई, और ये वेजिटेबल धो के तो रखी थी फिर भी चॉपिंग करने के टाइम, और एक बार अच्छे से धो लूंगी। और ये आज परवल का बनेगा सब्जी हस्बैंड के लिए, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। और ये पूरा क्लीन करके मैं चॉपिंग कर लेती हूँ और फटाफट बनाते लंच, बहुत लेट हो चुका है। पहले मैं मटन बैठा दूंगी इसलिए प्याज पहले चॉप कर लेती हूँ। प्याज चॉप हो गया तो मटन बस फटाफट बैठा दूंगी। और ये पूरा मटन का करी मैं बनाऊंगी मस्टर्ड ऑयल में ही, और मटन में तो सारा मैरिनेट कर दिया था, मैं अभी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ लास्ट में मैं थोड़ा गरम मसाला जो वो भी मैं कूट के देती हूँ, थोड़ा दालचीनी और वो जो स्टार फ्लावर आते हैं उसका, और थोड़ा इलायची को कूट कर मैं लास्ट में एकदम मटन होने के बाद मैं देकर फिर ढक देती हूँ। देखिए आप प्रोसीजर में कैसे बनाती हूँ, और आज जल्दी जल्दी बना दूंगी क्योंकि लेट हो रहा है, रेसिपी तो मैं नहीं डाल सकती हूँ। अगर आपको चाहिए रेसिपी तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं और एक बार बना के आपको पूरा मटन कोसा का रेसिपी दे दूंगी। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैं ये पटेटो को फ्राई करके निकाल दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब थोड़ा सा मैं हल्दी डालकर ये पटेटो को इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी देर फ्राई करूंगी। हल्दी डालने से पटेटो का कलर अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ा हल्दी डाला। दाल भी हो गया, और ये देखिए आलू फ्राई हो गया। अब इसके अंदर में ये तेजपत्ता, दो इलायची और एक ये स्टार फ्लावर, इसको मैं डाल दूंगी। इलायची का थोड़ा कूट के डालूंगी तो उसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। ये डाल दूंगी इसके अंदर। अब मैं अनियन भी डाल दूंगी। नमक दूंगी मैं, और प्याज को पूरा लाल होने तक भूनूंगी मैं, तब का टाइम लगेगा। ये परवल को मैं कट कर दूंगी, बड़ा बड़ा रखूंगी मैं, इस तरह मैं बड़ा बड़ा कटिंग कर लूंगी। और पटाटा को मैं बड़ा ही कट करूंगी, ऐसे दो वाला ही। अब मैं पटाटो और परवल को फ्राई करूंगी। मटन में मैं गर्म पानी दूंगी इसलिए थोड़ा पानी गर्म करने के लिए बिठाई। मटन ऑलमोस्ट भुनना हो गया है, और कितना अच्छा कलर आया है। परवल भी भुनना हो गया हमारा।
इस कड़े में ही मैं तेज पत्ता डाल दूंगी और ये पोटैटो इसके अंदर डाल के इसके साथ ही फ्राई करके मैं मसाला पूरा भून लूंगी। मक्खन पूरा भुनना हो गया और कितना अच्छा कलर आया है, पूरा स्किन कलर आने तक हमें भुनना है मक्खन को। अब मैं ये फ्राई वाला आलू इसके अंदर डाल दूंगी पोटैटो। और ये पानी भी बॉईल हो गया, पानी भी दे दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये एक थोड़ा सा दालचीनी और ये स्टार फ्लावर को कूट के डाल दूंगी। इलायची डाली थी और नहीं डालूंगी। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, 5 सीटी दूंगी मैं। अब मेरा खाना बनाना हो गया, थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे। अभी तक नहीं आए, आएंगे तो मिलकर सब खाना खाएंगे। और अब ज्यादा टाइम नहीं आए, 1:30 हुआ है बस कितना 1.5 घंटा या 1 घंटा में मैं सारा काम फिनिश कर दिया। आज संडे लंच है तो थोड़ा स्पेशल तरीके से खाना खाएंगे, तो टेबल लगा और ये आ गया गरम गरम मटन कोशा। यस बेटा, आज पापा रा मटन है ना, पापा पे मटन पड़ गया। मटन ये मेरा ये पापा का देखो। वाओ, आज तुम्हारा फेवरेट मोस्ट फेवरेट ये पहले अड़वल की सब्जी अभी के लिए। ला जल्दी हमारा मटन अभी निकलेगा, इस तरह सेट कर। नहीं मम्मा मटन। हाँ बाबू, मटन करी 10 out of 10। वाह अच्छा लगा। अच्छा हुआ है मटन करी, मैं तो अभी तक खाई नहीं, खा रही हूँ।
और अच्छा है। अच्छा बना, अच्छा बना, टॉप है, टॉप है। आज तो संडे लंच हिट हो गया, हिट। सब सबका मनपसंद का बना है, बच्चों का मनपसंद मटन, अभी का मनपसंद परवल, और मेरा तो सारा चीज मनपसंद है। मैं सब खाती हूँ, वेज नॉन वेज दोनों खाती हूँ, और मुझे सब पसंद है खाने में। चलो खा लेते। बहुत बढ़िया बना है। अरे ओढ़िया ओढ़िया होकर मटन में आलू ना डालो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो मटन से ज्यादा ये मटन में आलू अच्छा लगता है। ऑसम। ओके फ्रेंड, फिर चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते। हम हमारा संडे लंच अच्छे से एंजॉय कर रहे। बाय बाय।